देखो चिटफंड कथा कहले गोटे आशास्पद कथा भाई जमापड़ी चिटफंड कथा 2013 मसीह चिटफंड होता बाय भर्चू अफ दि डायरेक्शन अफ अनरेबल आपेक्स कोर्ट आपंकर आलोक जेना केस चिटफंड जहाँ होती सीबीआई ताकू एनक्वारी करूँ बा इनभेस्टिगेसन करूँ ए सीबीआई इनभेस्टिगेसन 2013 आरंभ कर 2024 हवा भितर आपणकर संपूर्ण भाव में चार्जसीट दाखल करना आपंकर जो इन्वेस्टिगेशन करी जो फर्दर दाखल करवा कथा ताकूरीना यहाँ गोटे हास्यास्पद कथा कहीं 11 वर्ष बीतीगला जदि आपणकर चार्जसीट दाखल कर पारना सीबीआई ताहले से किभली भाव में आप इन्वेस्टिगेशन करूँ आपड़ अनुमान करेंगे बाकी सरकार कथा कहले बीजेडी सरकार थिला बेले आम जानूचे जिते इन्वेस्टिगेशन चली जेहेतु आपणकर डिफेन्स साइड रु रही कि आपणकर चिटफंड ऑर्गेनाइजेशन अच्छी मु मकदमा लड़ुची और कोर्टे ट्रायल चली एवं ताकू पाथय करी इनफॉर्मेशन डायरेक्टरी जोटा ईडी ईडी मध्य केस करछि से विषय बेधरे चली मु कहिक रखा चाहिबी ए जो केस हेछि से केस रे आमे जेतेबेले सुनुथिले जे किछि बीजेडी नेतांकर इन्वॉल्वमेंट थिला प्रभात विश्वाल कथा कहंतु से जेल रे थिले प्रभात त्रिपाठी कथा कहंतु से जेल रे थिले एवं आहुरी अनेक नेतांक नाम सुना जाउथिला किंतु इन्वेस्टिगेशन दिग से किसी लोकों भितर रोला एवं ताधेरे मुख्यतः आपणकर अर्थतत्व कथा कहतु शिशोर कथा कहतु नवदिगंत कथा कहतु किंबा माइक्रो फाइनेंस कथा कहतु यही कि पांच सातटी जोटा कि मेन ऑर्गेनाइजेशन जोटा थिला कंपनी थिला अगेंस्ट यह कार्यक्रम हो केस दाखल कर किंतु आज पर्यंत समस्त केस रे फाइनल चार्जसीट हो पारि ना एवं किसी जगार आपंक सप्लीमेंटारी चार्जसीट दे कार्यक्रम चली ट्रायल चलला आपन को जन रखा चाहिए अनेक लोक जो मैंने मुदला थे चिटफंड केस मुदला थे अनेक लोक प्लीड गिल्टी निजर दोष मानी से माने सजा काटी बाहरी चलीगले बाकी रहा जेहेतु जड़े सजा काटी बाहरी चलीगला विरोध में आमित कि कार्यक्रम हम भी मुझे कहीं जापार ना बाकी गोटे आटाचमेंट प्रोसीडिंग अच्छी जोटा कि आपंकर प्रपर्ट जहाँ सीज होता टाँह हो प्रपर्टी हो आपणकर कौनसी गाड़ी हो इमोवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी हो जहाँ भी हो जो सीज होता आपणकर आटाच करी एक्चुअली ताकू बिक्री करी बा ऑक्शन करी ताधर जो टंका मिली था ताकू जदि सरकार चाहिए ताहले किसी लोक कंपेनसेट कर पारि था किंतु सरकार गोटे कमिशन तैयारी करते से कमिशन का रिपोर्ट कमिशन इनक्वारी सरी रिपोर्ट हस्तगत होते प्रकाश होना यही परिस्थिति में प्रथम कथा हूँ चिन्हट ही ना किए दोज आर दि पर्सन हु हाव डिपोजिटेड मनी और चिटेड बाय दि चिटफंड पर्सनस से ही लोक मानक आईडेटिफाई कराए ना क्या टाँह देवे सरकार तेणु सरकार जो चेंज है जो बीजेपी सरकार दावा रहा आम आस चिटफंड लोक आम पनिशमेंट देवु आरे भाई सीबीआई तो तुम सीबीआई तो इनक्वारी करुच्ची सीबीआई 13 वर्ष है इनक्वारी करुच्ची किछ करि पारुनी तेणु या 11 वर्ष है तेणु एथुरु अनुमान करा जाउची चिटफंड गोटे खाली भेड़िकी एवं चिटफंड जो केस होती इन्वेस्टिगेशन जहाँ होती ट्रायल चली जेहेतु कोर्टे केस अच्छी तेणु से ट्रायल विषय में तो कहीपरिनी बिकज दि मैटर इज सबजुडाइज बिफोर दि कोर्ट तेणु खाली गोटे कथा कह सीबीआई रो इच्छा नहीं इच्छा शक्ति नहीं जे या कमी कनक्लूड करके जो मैंने क्षतिग्रस्त लोक अच्छा किभली भाव में कंपेनसेट कर पैसा फेरस्त कर चिंता कहार ना 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 परिणाम कथा कोर्ट कहे कोर्ट चिंता करेंगे कोर्ट आप दलिल शुणे समस्त साक्ष्य प्रमाण सब शुणे दलिल शुणे चली शुणु चली प्राय चिटफंड जो मुदला मैंने थे समस्त बेल अच्छा प्राय प्राय समस्त बेल हो सारे किए आते कौड़ा दिखे किए जो थे थे ना प्राय समस्त बेल आउट हो सारे जदि बेल आउट हो सारे बाकी रहा कि लोक प्लीड गिल्टी दे खसीगले तीन वर्ष सात वर्ष सजा काटिक चलीगले तेणु मैक्सीम सजाटा सात वर्ष रोच जोटी 409 रोज से लाइफ कन्विक्शन रोचे कितु जो मैंने सजा काटिक अलरेडी चलीगले प्लीड गिल्टी विरोध में तो किसी हो पार तेणु कथा आसुची जे यार भविष्य कौन भविष्य कथा कोर्ट चिंता करेंगे और आपणकर साक्ष्य प्रमाण को पाथय कर कोर्ट जजमेंट देवे देखो चिटफंड खाली गोटे आम ह्यू आंड क्राए आम जानूचे और आपण मान द्वारा प्रेरित कार्यक्रम भी मुझे कहबी कहीं चिटफंड जदि सेमती किसी ये होता हुए तो सरकार नजरटा अलग होता एवं तीक्ष्ण भाव नजर रखिकी आपणकर स्पीडी ट्रायल कर सारी था
ଯେଉଁଥିରେ ଲାଇଫ୍ କନଭିକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯଦି ଜଣେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡର ଭୟ ରହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଇଏ କାରଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲାରୀ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଜଣେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ ନାହିଁ, ବା ଆଉ ସୋସାଇଟିର କୌଣସି ଲୋକ ଯିଏ ଆଗଭ ରହୁଥିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ସେଗୁଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ଏବଂ ସିବିଆଇର ମଧ୍ୟ ଉଦାସୀନତା ରହିଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରପର୍ଲି କରିକି ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ କୋର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଲ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଇଦେଲେ, ତେଣୁ ବେଲ୍ କିଛି ପାଇଗଲେ କିଛି ପ୍ଲିଡ଼ିଗୁଲିଟି ଦେଇ ଖସିଗଲେ, ତେଣୁ ଏହାର ଆଉ ଯାହା କୋର୍ଟର ଜଜମେଣ୍ଟ ହେବ ସେଇଟାକୁ ଅନେଇକି ରହିବା କଥା। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେଳିକି। ସରକାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କିଏ କରୁଥିଲା? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଥିଲା। 2013 ମକଦ୍ଦମା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 2014 ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଣ୍ଟରରେ, ତେଣୁ ସିଏ ଚାହିଁଥିଲେ ମନିଟର କରିକି ଜଲ୍ଦି କରିପାରିଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ଇଏ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆସି ସିଏ କ'ଣ କରିପାରିବେ? କାହିଁକିନା ଯିଏ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଥିଲା ସିଏ ହେଉଛି ବିଜେପିର, ତେଣୁ ଏଇ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଇଏ କରିବା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟା ଭେଳିକି।